नमस्कार, सोई की कहानी में आपका स्वागत है। और आज सोई की कहानी ये है कि डिनर बनाने के लिए हो रही है कन्फ्यूज़न, क्या बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना रवा इडली बनाई जाए। रवा इडली मोस्टली तो लोग नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में ही बनाते हैं, लेकिन मैं आज इसे डिनर में बना रही हूँ। तो रवा मसाला इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करते हैं इसका ये मसाला। पैन में मैंने तेल ले लिया है, ये 3 स्पून तेल है। अब इसमें ऐड करूँगी राई, अब ऐड करूंगी ये उड़द, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और थोड़े से काजू ले लिए हैं जिन्हें रफली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हींग ऐड करूंगी, लगभग 2 पिंच हींग है ये। थोड़ा सा नमक, थोड़े से क्रश किए हुए करी लीव्स, थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। और अब ऐड करेंगे रवा या सूजी। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी सूजी ली है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी को ब्राउन नहीं करना है, हम हलवा नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं रवा इडली। 2-3 मिनट के लिए इस तरह से चलाएंगे, और जैसे सूजी फूलने लग जाएगी हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए सूजी के दाने खिले खिले नजर आ रहे हैं, बस अब हमें इसे ठंडा कर लेना है। अब रवा या सूजी हमारी ये ठंडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दही। इसी कटोरी से मेज़रमेंट करके मैं 2 कटोरी सूजी ली थी, ऐड कर रही हूँ दही। उसके बाद 1/2 से भी कम कटोरी मैंने पानी ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और पानी ऐड करूंगी, अब थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ। पानी एक बार में नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डाल, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके 1.5 कटोरी पानी ऐड कर लिया है। अब ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हो, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। बाकी हम 20 से 25 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। अब आ रहा है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नारियल की चटनी। तो पहले तो नारियल ले लिया है, उसका हस्क मैंने निकाल लिया है। अब चेक करेंगे इसकी एक सॉफ्ट आई। जो इसकी सॉफ्ट आई होगी उसको होल करके इसका पानी हम निकाल लेंगे। इस तरह से इस आई में होल करके इसका पानी अब हम निकाल लेंगे। एक एक बूंद निकाल ली हमने इसकी। अब हम इस नारियल की जहाँ लाइंस दिख रही हैं वहाँ पर इस तरह से मारेंगे। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसे यहाँ यहाँ इन लाइंस पे मार के हमने इसको तोड़ लेना है। इस तरह हमने कोकोनट को निकाल लिया है, और उसका ब्राउन स्किन को भी रिमूव करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप कोकोनट का सेल गैस पे हीट करके तभी रिमूव कर सकते हैं, या फिर जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से करके इसकी ये ब्राउन स्किन भी निकाल लेनी है और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो अब बनाएंगे हम नारियल चटनी। इसके लिए सबसे पहले डालेंगे नारियल, फिर जाएंगे कैशवे या काजू, जिंजर या अदरक, हरी मिर्च या आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, रोस्टेड चना दाल, सॉल्ट, थोड़ा सा पानी। अब इसे हम पीस लेंगे। इस तरह से ये नारियल की चटनी पीस गई है, और इसमें मैंने इस तरह से 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल कर लिया है। इसमें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी नारियल पानी जो हमने नारियल से निकाल के रख लिया था पहले। धीरे धीरे इसको इसमें ऐड करके मिक्स करती रहूँगी। अब हम चटनी का तड़का तैयार कर लेंगे।
और दूसरी तरफ मैंने कुकर में पानी रख दिया है। इडलियों को स्टीम करने के लिए कुकर को रेडी कर रही हूँ। तड़के के लिए सबसे पहले जाएगी राई, उड़द दाल, 2 पीस हींग, लाल मिर्च, क्रश किए हुए करी लीव्स और इसमें ऐड होगा मेथी दाना। जैसे मेथी दाना ब्राउन हो जाएगा चटनी रेडी हो जाएगी, तड़का रेडी हो जाएगा। अब हम इस तड़के को ऐड कर लेंगे इस तरह से चटनी में। चटनी डन। चेक कर लेते हैं इडली बैटर को। बैटर ठीक हो गया है, ये देखिए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अगर आपने 1 आवर के लिए रखा है तब तो ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, लेकिन अगर 25 to 30 मिनट, जैसे कि मेरे बैटर को रखे हुए 30 मिनट हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे सोडा, बेकिंग सोडा पाउडर के 4 पिंच मैंने डाल दिए हैं। जल्दी से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास इस तरह का पुराना ही स्टीमर है, मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। इस तरह मैं इस पूरे सांचे को ग्रीस कर लूँगी और इसमें पोर करूँगी इडली बैटर। सांचे को बिल्कुल फुल नहीं कर देना क्योंकि इडली स्टीम होके भी हमारी पफ हो गई अभी। इस तरह सभी सांचों में मैं इडली बैटर को फील कर दूँगी। इस तरह अब मैं स्टीमर को कुकर में डाल दूँगी इडली को स्टीम करने के लिए। 3 मिनट स्टीम करने के बाद मैंने ये इडली स्टैंड बाहर निकाल लिया है। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इस तरह स्पून से इसे धीरे धीरे स्लाइटली बाहर निकाल लेंगे, जैसा भी स्पून आपके पास हो। अच्छा, रवा इडली बहुत सॉफ्ट होती है, इसे बड़े केयरफुली आपने निकालना है। इस तरह हमारी मसाला रवा इडली बनकर तैयार हो गई, परफेक्टली बनकर रेडी हो गई है। और हाँ, अगर आपको चटनी में थोड़ी खटास लानी है तो आप लेमन ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें लेमन ऐड नहीं करा है। तो आप भी इस तरह से इडली बनाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।